नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे फिल हीथ वर्सेस बिग रैमी 2017 का मिस्टर ओलंपिया। सो हम जानते हैं कि 2017 के मिस्टर ओलंपिया में फिल हीथ ने अपना सेवेंथ मिस्टर ओलंपिया जीता था, वो भी सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव टाइम जीता था। बिग रैमी की बात करें तो मुझे लगता है बिग रैमी अपने करियर का सबसे बेस्ट पैकेज लेके आए थे मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर 2017 में। काफ़ी लोग का ये मानना है कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि बिग रैमी को 2017 का मिस्टर ओलंपिया जीतना चाहिए था। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या बिग रैमी को 2017 का मिस्टर ओलंपिया जीतना चाहिए था, और अगर जीतना चाहिए था तो उसके पीछे क्या रीजंस थे। मैं आज आपको अपने वीडियो में ये बताऊंगा कि क्यों फिल हीथ डिजर्व कर रहे थे 2017 का मिस्टर ओलंपिया। सो आइए दोस्तों देखते हैं पोज बाय पोज दोनों ही एथलीट्स को और कंपेयर करेंगे सारे कमेंडेटरी पोजेस। सो सबसे पहला पोज जो यहाँ पे देख रहे हैं जो है फ्रंट रिलैक्स्ड पोज। सो आप फ्रंट रिलैक्स पोज में क्लियरली देख सकते हैं कि बिग रैमी के पास काफी अच्छा साइज का एडवांटेज है। बिग रैमी की अपर बॉडी कंपेयर करें अगर फिल हीथ से तो काफी ज्यादा वाइड है, बोन स्ट्रक्चर काफी मैसिव है कंपेयर करें फिल हीथ से तो। बिग रैमी के पास काफी ह्यूज क्वाड्स है। सो अगर साइज की बात करें तो यस, बिग रैमी काफी अच्छी साइज लेके आए थे 2017 में, लेकिन फिल हीथ ने अपना कंडीशनिंग गेम हमेशा ऑन पॉइंट रखा है। आप देख सकते हैं फिल हीथ के चेस्ट मसल्स, उनके शोल्डर मसल, इवन उनके क्वाड्स मसल में काफ़ी अच्छी सेपरेशंस है जो बिग रैमी लैक करते हैं। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि बिग रैमी के लेग्स प्री जजिंग के दिन काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, और फाइनल जब शो हो रहा था लास्ट डे पे तो बिग रैमी के क्वाड्स एकदम सॉफ्ट हो गए थे जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। आप यहाँ पे क्वाड्स मसल को कंपेयर कीजिए बिग रैमी और फिल हीथ के, मैसिव डिफरेंस है। फिल हीथ के क्वाड्स भले ही छोटे हैं बिग रैमी से, लेकिन काफ़ी प्रोपोर्शनेट, वेल बैलेंस्ड और काफ़ी अच्छी सेपरेशन लेके आए हैं। इवन फिल हीथ के क्वाड्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू बिग रैमी। आइए दोस्तों नेक्स्ट पोज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पोज ये एक क्वार्टर टर्न पोज है। क्वार्टर टर्न में भी आप देख सकते हैं कि फिल हीथ ने अपना मिड सेक्शन थोड़ा ब्लोट रखा है। वहाँ पे फिल हीथ को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था कि वो अपना मिड सेक्शन काफ़ी एक्सटेंड कर चुके थे, उसके बाद उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, आप जानते ही होंगे। सो फिल हीथ को यहाँ पे अगर कुछ वीक पॉइंट्स होंगे तो ऑफकोर्स वो मिड सेक्शन के लिए वीक पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी अगर ओवरऑल फिजिक की कंपेयर करें तो फिल हीथ की फिजिक काफ़ी ऑन पॉइंट थी। फिल हीथ के ट्राइसेप्स आप देख सकते हैं बिग रैमी से काफ़ी अच्छे हैं, शोल्डर मसल में काफ़ी अच्छी राउंडनेस है, लेकिन बिग रैमी थोड़ा यहाँ पे एस्थेटिक लुक लेके आते हैं अपने मिड सेक्शन से। आप देख सकते हैं कि बिग रैमी का अपर फ्रेम काफ़ी वाइड है, लेकिन उनका मिड सेक्शन काफी अच्छा था उस साल, इसलिए बिग रैमी को क्वार्टर टर्न्स में पॉइंट्स जरूर मिलने चाहिए। नेक्स्ट पोज आगे ने क्वार्टर टर्न दिखा रहा हूं मैं आपको, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब बैक की बात आती है तो बैक शॉट से फिल हीथ को बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बिग रैमी के पास अगेन साइज एडवांटेज काफी अच्छा है, काफी मैसिव शोल्डर्स है, काफी मैसिव ट्रैप्स मसल है, काफी अच्छी वाइड स्प्रेड है, लेकिन लोअर बैक ना के बराबर है, ग्लूट्स मसल ना के बराबर है, हैमस्ट्रिंग मसल ना के बराबर है एज कम्पेयर टू फिल हीथ। फिल हीथ की आप अपर ट्रैप से लेके ओवरऑल लोअर उनके बैक तक देख सकते हैं कितने अच्छे मसल इंसर्शंस है, काफ़ी वेल कट और डिफाइंड ग्लूट्स मसल है और हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी पील्ड है। सो यस, कंडीशनिंग में फिल हीथ ने नेल किया था 2017 में। नेक्स्ट शॉट अगेन क्वार्टर टर्न का ही शॉट है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिग रैमी सफर कर रहे हैं और फिल हीथ लाइक पूरा चूस ले रहे हैं बिग रैमी को हर एक शॉट पे। लाइक देख सकते हैं आप फिल हीथ के ट्राइसेप्स मसल, उनके फोर आर्म्स, अपर चेस्ट मसल काफ़ी एस्थेटिक है। सिर्फ उनका मिड सेक्शन है एक ऐसा पॉइंट था जो ओवरऑल फिजिक को डिस्टर्ब कर रहा था। अगर ग्लूट्स की बात करें तो ग्लूट्स आप देख सकते हैं फिल हीथ के बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे इंसर्शन है उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग और उनके क्वाड्स मसल में। बिग रैमी ये सब लैक करते हैं। सो सबसे पहला मैंडेटरी पोज यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है फ्रंट डबल बाइसेप्स। अगेन फ्रंट डबल बाइसेप्स फिल हीथ का विनिंग पोज रहा है, लेकिन 2017 का एक ऐसा ओलंपिया था जहां बिग रैमी काफी क्लोज आ गए थे फिल हीथ को बीट करने के लिए फ्रंट डबल बाइसेप्स में। सो बिग रैमी के पास अगेन साइज एडवांटेज आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज साइज है एज कम्पेयर टू फिल हीथ। काफी अच्छे आर्म्स के मसल है बिग रैमी के, काफी वेल बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट चेस्ट मसल है, ह्यूज लैट्स मसल है
और काफी बड़े क्वाड्स हैं, लेकिन फिल हीथ के पास एक अच्छा एडवांटेज हमेशा रहा है कि वो 3D लुक लेके आते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक मसल कितनी अच्छे से सेपरेटेड है, और 3D लुक लाने में जो फिल हीथ माहिर है, मुझे नहीं लगता कि बिग रैमी इस शॉट में फिल हीथ को बीट कर सकते हैं। लेकिन 2007 का ऐसा ओलंपिया जरूर था, अगर साइज की बात की जाए तो बिग रैमी यह शॉट जरूर जीतेंगे। नेक्स्ट शॉट है फ्रंट लैट स्प्रेड। फ्रंट लैट स्प्रेड में मानता हूं कि बिग रैमी ने फिल हीथ को इस शॉट पे जरूर बीट किया था। फिल हीथ का कभी ये विनिंग पोज नहीं रहा है, बल्कि वन ऑफ द वीकेस्ट पोज ऑफ फिल हीथ है, वो है फ्रंट लैट स्प्रेड। बिग रैमी के पास अगेन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे उनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है, जो है फ्रंट उनके लैट्स में इतनी सारी विड्थ और उनका टाइनी मिड सेक्शन। सो बिग रैमी के पास काफी वाइड लैट्स मसल है, काफी अच्छा शोल्डर मसल है, ह्यूज चेस्ट मसल है, जो उनके अपर फ्रेम को काफी बड़ा और एक काफी वाइड एल्यूजन क्रिएट करने में मदद करते हैं। ऑन द अदर साइड फिल हीथ के पास अच्छे कंडीशनिंग है, लेकिन ओवरऑल पोज की बात की जाए तो फ्रंट लैट स्प्रेड में फिल हीथ को मुझे लगता कि इतने पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। बिग रैमी इस पोज में फिल हीथ को हैंड्स डाउन बीट कर सकते हैं। इवन आप फिल हीथ का मिड सेक्शन देख सकते हैं, काफी डिस्टॉर्टेड लग रहा है, काफी देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा एज कम्पेयर टू बिग रैमी। सो ये पोज तो बिग रैमी को ही जाता है। नेक्स्ट पोज है हमारे पास साइड ट्राइसेप्स पोज। साइड ट्राइसेप पोज मुझे दोनों ही एथलीट का काफी पसंद आता है। फिल हीथ भी काफी अच्छा साइड ट्राइसेप लगाते हैं, बिग रैमी भी काफी अच्छा साइड ट्राइसेप लगाते हैं। बात करें फिल हीथ की तो फिल हीथ के पास मसल बेलीज काफी अच्छी थी, काफी फुल मसल बेलीज है यहाँ पे, देख सकते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज की तरह लेके आए थे। लेकिन बिग रैमी भी कम नहीं थे, बिग रैमी के काफी अच्छे शोल्डर मसल थे, काफी ह्यूज आर्म्स मसल है, और इवन बिग रैमी यहाँ पे अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स में जो सेपरेशन दिखा रहे हैं काफी अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू फिल हीथ। अगर मुझे सिर्फ एक बॉडी बिल्डर को चूज करना होगा इस पोज में, तो मैं बिग रैमी को चूज करूंगा। नेक्स्ट पोज है अगेन साइड ट्राइसेप का पोज, लेकिन ये फिल हीथ का एक अलग वर्जन है। हमेशा वो अपना ये वर्जन हमेशा हिट करते हैं, कोई भी उनकी पोजिंग देख लीजिए, जब भी साइड ट्राइसेप की कॉलिंग आती है तो फिल हीथ ये पोज जरूर हिट करते हैं, और ये पोज फिल हीथ का मुझे काफी पसंद है। यहाँ पे फिल हीथ अपनी मैसिव ट्राइसेप्स और अपने आर्म्स में सेपरेशन दिखा सकते हैं, अपने अपर चेस्ट मसल में आप देख सकते हैं कि उनकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में कितने अच्छे कट्स हैं, साइड चेस्ट में कितने अच्छे सेपरेशन हैं। तो यस, फिल हीथ का भी एक अच्छा पोज है, जो काफी एथलीट्स इस पोज को पुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ साइड चेस्ट की बात की जाए तो बिग रैमी के पास काफी अच्छी चेस्ट है, अपर चेस्ट से लेकर लोअर चेस्ट काफी फुल है, मैसिव अपर फ्रेम है, तो ये पोज भी मैं बिग रैमी को ही दूंगा। नेक्स्ट पोज है अगेन गाइज, ये एक बैक सिर्फ एक क्वार्टर टर्न वाला पोज है, सिर्फ बैक डबल बाइसेप लगाने से पहले ये फोटो क्लिक की गई थी। सो मैंने आपको पहले इस पोज के बारे में बता चुका हूं मैं कि अगेन फिल हीथ के पास ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का काफी अच्छा एडवांटेज था, पूरी कंप्लीट बैक लेके आए थे फिल हीथ, जो बिग रैमी यहाँ पे लैक करते हैं। नेक्स्ट पोज है गाइस हमारे पास बैक डबल बाइसेप्स। बैक डबल बाइसेप्स मानना पड़ेगा कि बिग रैमी के पास काफी अच्छी मस्कुलर साइज है। आप देख सकते हैं फिल हीथ कितने छोटे लगते हैं एज कम्पेयर टू बिग रैमी। बिग रैमी ह्यूज अपने शोल्डर से डोमिनेट कर रहे हैं फिल हीथ को। बिग रैमी के ट्रैप मसल काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे लैक मसल की इंसर्शन है, लेकिन अगर अगेन कंप्लीट पैकेज और कंप्लीट पोज की बात की जाए तो फिल हीथ के आप ट्राइसेप मसल में सेपरेशन देख सकते हैं, उनके शोल्डर मसल में सिमेट्री देख सकते हैं, ट्रैप मसल कितने अच्छे सिमेट्रिकल है, और ओवरऑल बैक जिस तरीके से शील्ड की तरह दिखाई देती है, अगेन फिल हीथ का हमेशा ही विनिंग पोज रहा है ये। लोअर बॉडी में मैं सारे पॉइंट फिल हीथ को ही दूंगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल और ग्लूट मसल में काफी अच्छी सेपरेशन और डिटेल्स लेके आए थे फिल हीथ। सो बैक से तो फिल हीथ ही जीतते हैं हैंड्स डाउन। नेक्स्ट पोज है हमारे पास बैक लैट स्प्रेड। बैक लैट स्प्रेड बिग रैमी के पास एडवांटेज ये था कि वाइड स्प्रेड था, तो लैट स्प्रेड की बात की जाए तो बिग रैमी को पॉइंट्स मिलने चाहिए, लेकिन फिल हीथ की आप देख सकते हैं 3D लुक लाने में जैसे माहिर है फिल हीथ, इतनी अच्छी मसल बेलीज मैंने आज तक किसी एथलीट की नहीं देखी बैक लैट स्प्रेड में। आई थिंक डोरियन येट्स और रोनी कोलमैन ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो इतना अच्छा बैक लैट स्प्रेड पुल कर सकते थे। सो ये पोज भी मैं फिल हीथ को ही दूंगा ड्यू टू कंप्लीट पैकेज। नेक्स्ट पोज हमारे पास है गाइस साइड ट्राइसेप का एक पोज है, अगेन एक अलग वर्जन से आपको दिखा रहा हूं मैं साइड ट्राइसेप पोज। यहाँ पे अगेन आप फिल हीथ के मसल बेलीज देख सकते हैं, भले ही उनका मिड सेक्शन डिस्टॉर्टेड था लेकिन काफी अच्छा कट और वेल डिफाइंड मिड सेक्शन था, काफी अच्छे ऑब्लिक्स के मसल, काफी अच्छा ट्राइसेप का मसल। आप ट्राइसेप में अगर आप गौर से देखें तो उनके फेदर्स दिख रहे हैं, जो काफी एक एस्थेटिक लुक लेके आते हैं। बिग रैमी के पास साइज का एडवांटेज जरूर है, लेकिन आई थिंक फिल हीथ को इस पोज में पॉइंट मिलने चाहिए, मुझे इस पोज में फिल हीथ काफी पसंद आते हैं। नेक्स्ट पोज है हमारे पास गाइस एब्डोमिनल्स एंड थाइस पोज।
एब्डोमिनल टू थाइस पोज एक ऐसा पोज अगेन फिलिप का काफी वीक पोज है। ओवर द इयर्स आपने कंपेयर किया होगा काई ग्रीन के साथ और काफी एथलीट्स के साथ, शॉन रोडन के साथ। शॉन रोडन ने भी फिलिप को इस पोज पे बीट किया था 2018 के आई थिंक ओलंपिया में बीट किया था शॉन रोडन ने। और यहाँ पे बात करें तो मुझे यहाँ पे बिग रैमी के मसल्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिलिप का मिड सेक्शन आप देख सकते हैं कि लाइक उनके फोर पैक्स मसल इतने क्लियरली विजिबल नहीं है, काफी अच्छे कट्स है, लेकिन एक मसल बिल्डिंग की बात करें तो मुझे यहाँ फिलिप इतने पसंद नहीं आते। बिग रैमी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, काफी वेल बैलेंस्ड एब्स मसल है, तो ये पोज मैं बिग रैमी को दूंगा। नेक्स्ट पोज है हमारे पास मोस्ट मस्कुलर पोज। मोस्ट मस्कुलर पोज अगेन बिग रैमी के पास काफी अच्छा साइज एडवांटेज है, मसल बिल्डिंग काफी बड़ी है एज कम्पेयर टू फिलिप। लेकिन फिलिप के आप ट्रैप मसल देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, शोल्डर मसल में जो राउंडनेस और कंप्लीटनेस है वो बिग रैमी लैक करते हैं। उनके आर्म्स वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में, फिलिप को आर्म्स डिपार्टमेंट में आप बीट नहीं कर सकते। क्वाड्स मसल में काफी अच्छे सेपरेशंस है, सो फिलिप काफी कंप्लीटनेस लेके आते हैं। आप उनके चेस्ट मसल में देख सकते हैं जो डिटेल्स है वो यहाँ पे बिग रैमी लैक कर रहे हैं। सो ये पोज आई थिंक फिलिप को मिलना चाहिए। सो एक फोटो में आपको सेपरेट दिखाना चाहूंगा कि फिलिप को क्यों इतना क्रिटिसिज्म मिला था और क्यों लोग कहते हैं कि 2017 बिग रैमी एक अंडरग्राउंड मिस्टर ओलंपिया थे। आप देख सकते हैं फिलिप का यहाँ पे कितना ज्यादा बबल गट एक्सटेंड हो गया था। उस ये ओलंपिया खत्म होने के बाद फिलिप ने अपने रीजंस भी दिए थे उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के ऊपर कि उनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि एब्स के नीचे जो हार्निया का सेक्शन होता है वो उनका एक ऑपरेशन होना था और इसलिए उनका बबल गट काफी एक्सटेंड हो गया था। सो ये ऑपरेशन होने के बाद फिलिप ने कहा था कि अगर फ्यूचर में कम्पीट करता हूं तो ऐसा बबल गट सेक्शन आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा। लेकिन 2017 की बात करें तो यस, फिलिप को क्रिटिसिज्म जो मिला है मैं स्टैंड बाय करता हूं कि अगर हार्निया की बात है तो आई फील पिटी फॉर फिलिप, लेकिन ये एक मिस्टर ओलंपिया शो है, आप यहां पे बबल गट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं स्टैंड बाय करता हूं जो भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया फिलिप को, मैं फिलिप का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे भी नहीं ऐसा पसंद आता कि यार मेरा कोई फेवरेट एथलीट अगर इस तरह का बबल गट लेके आता है, सो काफी खराब लगता है देखने के लिए। नेक्स्ट पोज है गाइज हमारे पास मोस्ट मस्कुलर द क्रैब पोज। क्रैब पोज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि दुनिया में ऐसे सिर्फ दो एथलीट्स हैं जो मुझे क्रैब पोज में काफी पसंद आते हैं, वो है रॉली विंकलर और फिलिप। फिलिप के आगे ना आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छे मसल बेलीज है, ट्रैप मसल यूज है, शोल्डर मसल के सेपरेशंस देख सकते हैं काफी अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स इन द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री और काफी अच्छे और बैलेंस्ड क्वाड मसल। बिग रैमी के पास साइज का एडवांटेज है, साइज काफी अच्छे लेके आए थे बिग रैमी, शोल्डर मसल काफी अच्छे है, आर्म्स मसल काफी अच्छे है, वेल बैलेंस्ड और ह्यूज चेस्ट मसल है। लेकिन यहाँ पे अगेन 50-50 चांसेस है, यहाँ पे 50 पॉइंट्स मैं फिलिप को दूंगा और 50 पॉइंट्स बिग रैमी को दूंगा। दोनों ही एथलीट्स मुझे इस पोज में काफी पसंद आते हैं। सो गाइज ये था कंप्लीट वीडियो फिलिप वर्सेस बिग रैमी 2017 मिस्टर ओलंपिया को लेके। मैंने अपने रीजंस दिए हैं कि क्यों फिलिप ने बिग रैमी को बीट किया। एक सिंपल रीजन था क्योंकि बैक शॉट से फिलिप को बीट करना इम्पॉसिबल था उस ओलंपिया में। फ्रंट से यस, फ्रंट से कुछ ऐसे शॉट थे जैसे कि फ्रंट लैट स्प्रेड हो गया, फ्रंट डबल बाइसेप्स हो गए, फिर एब्डोमिनल्स और थाइज हो गया, ऐसे कुछ शॉट हैं जहां पे बिग रैमी ने फिलिप को जरूर बीट किया था और मैं स्टैंड बाय करता हूं बिग रैमी के साथ। लेकिन फिलिप ने बैक शॉट से बिग रैमी को बीट कर दिया। सो गाइज आपको कैसे लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपके कुछ सजेशंस और व्यूज होंगे मैं सुनने के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज और सजेशंस पढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अगर आप बेल आइकॉन क्लिक नहीं करेंगे तो YouTube अब तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो YouTube पे अपलोड करूंगा। सो डू क्लिक द बेल आइकॉन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट।